नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 9। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल हम लोग 50 सवालों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपके जैसे कि एसएससी, बीपीएससी या फिर बिहार दरोगा या फिर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम का आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है आज का कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, कौन सी पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है दोस्तों रमेश पोखरियाल के द्वारा। याद रखिएगा कि रमेश पोखरियाल के द्वारा द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। थ्री नंबर सवाल आपके सामने है कि देश का पहला अनाज एडीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ये शहर स्थापित किया गया दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा। याद रखिएगा कि देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है, तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। फोर नंबर सवाल है कि अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है। तो अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में, तो भारत के सूरत शहर में। ठीक है, सूरत शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है। अच्छा, सूरत जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फाइव नंबर सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला है धर्मेंद्र प्रधान। आपको बताना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान कौन सी है, तो ये है दोस्तों शिक्षा मंत्री है। ठीक है, कौन है ये शिक्षा मंत्री, अश्वनी वैष्णव, ये कौन है दोस्तों, तो ये है रेलवे मंत्री। लेकिन किरण रिजिजू जो है ये पंचायत राज मंत्री नहीं है, ये क्या है दोस्तों, तो किरण रिजिजू जो है ये कानून मंत्री है। कौन सी मंत्री है, कानून मंत्री। और अनुराग ठाकुर क्या है दोस्तों, तो ये खेल मंत्री, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि किरण रिजिजू जो है ये कानून मंत्री हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिक्स नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था। तो उनका वास्तविक नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। याद रखिएगा कि हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है, उनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, तो मोहम्मद यूसुफ खान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सेवन नंबर सवाल है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ये जीता है दोस्तों एस्ले बार्टी। याद रखिएगा कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल का खिताब जो है ये किसने जीता है, तो एस्ले बार्टी ने जीते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एट नंबर सवाल बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा कि किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नाइन नंबर सवाल है कि केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। याद रखिएगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है। क्या है वो, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला, दस नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है। ये दोस्तों क्या किया गया है दोस्तों, देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है, उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उसका नाम क्या है, तो पुष्कर सिंह धामी जो है ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं, और बीबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर सवाल है दोस्तों कि जुलाई में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है।
भारतीय 90वां स्थान प्राप्त हुआ है, 90 स्थान प्राप्त हुआ। याद रखिएगा कि जुलाई में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 90 स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, 12 नंबर सवाल है कि किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो किया जाएगा दोस्तों भारत में। याद रखिएगा कि किस देश में, तो भारत देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों, भारत में। अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल, देखिए 13 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल है कि सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया, तो ये राजस्थान। याद रखिएगा कि सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में, तो राजस्थान की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत जो है यहाँ के मुख्यमंत्री, और कलराज मिश्र जो है ये राजस्थान के राज्यपाल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है, ये इजराइल के साथ। याद रखिएगा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ, तो इजराइल देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इजराइल की राजधानी क्या है दोस्तों, जेरूसलम जो है ये इजराइल की राजधानी है। ईरान की राजधानी क्या है, तहरान। यूएई की राजधानी क्या है दोस्तों, अबू धाबी। सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों, रियाद। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है कि युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है, तो यह है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। याद रखिएगा कि युवा पीएम योजना जो है ये किस मंत्रालय की पहल है, तो शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ठीक है, अच्छा वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों भारत के, तो वो है मनसुख मंडाविया। ठीक है, चलिए विदेश मंत्री कौन है वर्तमान भारत के, तो वह एस जयशंकर जो है ये विदेश मंत्री है। अगला सवाल देखते हैं, 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल जो है दोस्तों, 16 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास जैपैड 21 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारतीय सेना में भी हिस्सा लिया, तो ये रूस में किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बहुराष्ट्रीय सेना अभ्यास जैपैड 21 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो ये रूस में किया गया है, जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन जो है ये रूस के राष्ट्रपति हैं। रूस के प्रधानमंत्री तो मिखाइल मिशुस्तिन जो है ये रूस के प्रधानमंत्री हैं। अगला सवाल देखते हैं आपके सामने, 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है क्या है दोस्तों, तो युवा उत्साह नए भारत का, युवा उत्साह नए भारत का, ये राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला, 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है, तो ये विश्व बैंक के साथ किया है, यानी वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, अच्छा वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1944 को हुआ था। याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1944 को। इसका जो मुख्यालय स्थित है वर्ल्ड बैंक का, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है, तो विश्व बैंक के साथ ऋण समझौता किया है, WTO। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1995 को। ठीक है, याद रखिएगा 1995 को WTO का स्थापना हुआ था, और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय स्थित है जिनेवा में स्थित है। WTO, WHO का जो मुख्यालय स्थित है वो फिर ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, जिनेवा में। ILO का, WHO का और WTO का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में स्थित है। ठीक है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, ADB का, इसका भी स्थापना हुआ था 1966 को हुआ था, यानी 1966 को ADB का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा IMF, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो IMF का स्थापना हुआ था 1945 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने, 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है, तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2021
ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, तो कोनेरू हम्पी को। याद रखिएगा कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, 20 नंबर सवाल कि दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। तो दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का जो निर्माण है ये किया गया है दोस्तों नर्मदा नदी पर। कहाँ किया गया दोस्तों? नर्मदा नदी पर किया गया है दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 21 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 22 नंबर सवाल है कि भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों वर्तमान में? तो मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। तो भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 23 नंबर सवाल है कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है। ये स्थित है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में। याद रखिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो अबू धाबी है। क्या है दोस्तों? अबू धाबी, यानी कि यूएई को हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त अरब अमीरात। और इसकी राजधानी क्या है यूएई का? तो अबू धाबी है। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों? रियाद। याद रखिएगा, ठीक है। तो जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल है दोस्तों कि हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ये किया गया दोस्तों पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा कि हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का जो आयोजन है ये पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 25 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों 25 नंबर सवाल आपके सामने क्या है। 25 नंबर सवाल है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सुनीत शर्मा को। याद रखिएगा कि सुनीत शर्मा को हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, 26 नंबर सवाल है कि देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टैगथॉन 2021 की योजना टैगथॉन 2021 की शुरुआत की गई है। ये किया गया है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा, कपड़ा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि देखिए देश में खिलौनों के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टैगथॉन 2021 की शुरुआत की गई है, ये तीनों हो जाएगा, ए बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं, 27 नंबर सवाल है कि भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। ये दोस्तों किया जाएगा, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा कि पहले इथेनॉल संयंत्र की जो स्थापना है किस राज्य में की जाएगी, तो छत्तीसगढ़ में की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 28 नंबर सवाल है कि कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है। ये किया है दोस्तों जेल पर्यटन की शुरुआत किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और भगत सिंह कोश्यारी जो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है। तो कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने, तो महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है। अगला सवाल देखते हैं, 29 नंबर सवाल है कि किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे बड़ी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है। तो ये दोस्तों लॉन्च किया है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। याद रखिएगा कि किस रेलवे जोन ने, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है।
अगला सवाल देखते हैं, 30 नंबर सवाल। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों बनाया जा रहा है अहमदाबाद में। याद रखिएगा कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये किस शहर में बनाया जा रहा है? तो अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला 31 नंबर सवाल है कि हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक से डेजर्ट नाइट 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये भारत और फ्रांस के द्वारा, यानी कि हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच, तो भारत एवं फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच एक से डेजर्ट नाइट 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अमित केसरवानी, ठीक है, यानी किस व्यक्ति को, तो अमित केसरवानी को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, 33 नंबर सवाल। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है दोस्तों, याद रखिएगा, लखनऊ नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। अच्छा, लखनऊ जो है ये किस नदी किनारे स्थित है? तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। तो शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा, तो लखनऊ नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है। अगला सवाल देखते हैं, 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इनमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो डेनमार्क, ठीक है, कौन सा रहा? डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी क्या है दोस्तों? कोपेनहेगन जो है ये डेनमार्क की राजधानी है, याद रखिएगा। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस जो है ये सी नदी किनारे स्थित है। और सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों? रियाद। तो 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इनमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा? तो ये रहा है दोस्तों डेनमार्क। अगला सवाल देखते हैं, 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है कि मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? यह बनाया गया दोस्तों फेनी नदी पर। कौन सी नदी पर? फेनी नदी पर। यानी कि मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का निर्माण उद्घाटन किया गया है, यह पुल जो है फेनी नदी पर बनाया गया है। अगला सवाल देखते हैं, 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया? तो यह दोस्तों ताइवान, यानी किस देश के, तो ताइवान देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का जो मार्ग है ये बाधित हो गया है, ठीक है। अच्छा, इराक की राजधानी क्या है दोस्तों? इराक की राजधानी है बगदाद, याद रखिएगा। और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर जो है मलेशिया की राजधानी है। ताइवान की राजधानी क्या है दोस्तों? ताइपे। और सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों? तो रियाद, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 37 नंबर सवाल कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में? तो ये किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, याद रखिएगा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल आपके सामने है कि इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य ग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों PSLV C-51, ठीक है। यानी कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसरो, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, 15 अगस्त 1969 को, यानी 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है K-Sivan, और इसरो का जो मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया है। उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया PSLV C-51 के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, सवाल है 39 नंबर सवाल कि इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? ये बनी है दोस्तों मुंबई सिटी FC, ठीक है। यानी मुंबई सिटी FC जो है ये इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम बनी है। अगला सवाल देखते हैं, 40 नंबर सवाल। देखिए 40 नंबर सवाल है
कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है। ये दोस्तों जीता है ली जी जिया, ठीक है। ली जी जिया जो है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो ली जी जिया ने जीता है। अगला सवाल देखते हैं, 41 नंबर सवाल है कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है। तो ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा पुष्कर सिंह धामी जो है ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है 42 नंबर सवाल आपके सामने है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है, तो आशा भोसले को। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को, तो आशा भोसले को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा किया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 43 नंबर सवाल कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है। ये बन गया है दोस्तों पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। याद रखिएगा कि पश्चिमी मध्य रेलवे जोन ऑप्शन बी होगा, ठीक है। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जो है ये देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 44 नंबर सवाल कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है। दोस्तों किया गया है चिनाब नदी पर। याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का जो निर्माण है ये किस नदी पर किया गया है, ये चिनाब नदी पर किया गया है। अगला सवाल देखते हैं, 45 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए दोस्तों 45 नंबर सवाल आपके सामने क्या है, 45 नंबर सवाल है, सवाल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया दोस्तों बांग्लादेश में। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश में, तो बांग्लादेश देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है, ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, और ढाका में ही बिम्स्टेक का मुख्यालय स्थित है। किसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों, तो बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका जो है यह बांग्लादेश की मुद्रा है, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। कितने राज्यों के साथ, 5 राज्य, सबसे ज्यादा किसके साथ, तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। टोटल कितना करता है दोस्तों, कि टोटल कितना किलोमीटर करता है, तो 4096 किलोमीटर यानी 4096 किलोमीटर बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 46 नंबर सवाल, 46 नंबर सवाल है कि चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ ऐसी पहल की शुरुआत की है। तो चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी कि डी हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ भारत ने अस्क्री पहल की शुरुआत की है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है 47 नंबर सवाल है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रंस किसके द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई। याद रखिएगा कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल इंडिया फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है, तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, 48 नंबर सवाल है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला कथन है कि इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तालिका कथन वन जो है ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। कथन टू है कि इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां था, ये भी कथन सही, यानी कि कथन दोनों सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है, ठीक है। याद रखिएगा कि पद तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा था और भारत का जो स्थान रहा था वो 48वां रहा था, किसमें, तो टोक्यो ओलंपिक में। अगर टोक्यो पैरालंपिक की बात करें तो अमेरिका जो है दूसरे स्थान पर रहा था, याद रखिएगा, और भारत का जो स्थान रहा था ये 24वां रहा था, कितना रहा था दोस्तों, 24वां, ठीक है। ये टोक्यो पैरालंपिक की बात कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है 49 नंबर सवाल है कि बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है, तो 64,180 करोड़। याद रखिएगा कि बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि है तो 64,180 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय है, तो यह है दोस्तों 34 लाख
ठीक है 83,236 करोड़। कितना है दोस्तों, यानी कि 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है, तो वो है दोस्तों 34,83,236 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो हमें टोटल 50 सवाल कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।